माय चैनल, आज मैं बताने जा रही हूँ बेबी बीप जो बच्चे को खाने के टाइम यूज होता है, इसके लिए मैं ये कपड़ा लूँगी जो मैंने 3 लेयर लिया हुआ है। इसके लिए अब मैं एक प्लेट लूँगी, इसे हमें गोल साइज में काटना है। ये मैंने इसे गोल काट लिया है, अब हम इसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे जो गले के पास आता है बच्चों के। हम इसे काट लेंगे, ये वाला पार्ट गले के पास आता है। इसे हम थोड़ा सा और गुलाई करेंगे, थोड़ा सा। मैंने सेम कपड़े जैसा ही एक पन्नी काट लिया है जो मैं यहाँ पे इसके अंदर लगाऊंगी, जिससे बच्चों के कपड़े नहीं भींगेंगे। इसे बराबर करेंगे, इसके ऊपर हम सबसे ऊपर वाला पार्ट रखेंगे। इसके बाद हम साइड से इनकी सिलाई कर लेंगे, पूरे साइड से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये मैंने सिलाई कर ली है, अब इसके एक्स्ट्रा कपड़ों को हम काट लेंगे। मैंने ये काट लिया है, अब यहाँ हम 2 इंच की क्रॉस पट्टी काटेंगे, उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम 9 इंच छोड़ देंगे इसको। नौ इंच यहाँ से छोड़ने के बाद ये जो हमारा गुलाई वाला भाग है वहाँ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे। ऐसे हम इसे लगाते जाएंगे, यहाँ पूरे हम यहाँ तक इसे लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे लगा लिया है और यहाँ पे भी मैंने 9 इंच की पट्टी छोड़ी हुई है। अब हम यहाँ के हिस्से में ऐसे हम क्रॉस पट्टी लगाएंगे, इसे भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने लगा लिया है, अब हम यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे जहाँ पे गुलाई वाला हिस्सा है। थोड़ी थोड़ी दूर पे 1-1 इंच पे हम कट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे अब हम इसे फोल्ड करके और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। इसके लिए पहले हम यहाँ जो मैंने पट्टी छोड़ी थी इसे हम इसे फोल्ड करेंगे दोनों साइड से और यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे हम इसे उल्टा करके और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से पूरा हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगा दी है, ये देखिए बेबी बीप रेडी है, कितना अच्छा लग रहा है। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।